खुशियों की गुल्लक आशी। ये दोनों हमारे घर में क्या कर रहे हैं? तुमने इन्हें हमारे घर में रखा है आशी। मैंने बात की पापा से, पापा ने कहा कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके यहाँ रहने से। क्या हो रहा है इस घर में यार? और ऐसा क्या क्या हो रहा है इस घर में जिसके बारे में मुझे पता नहीं? बताओ आशी। तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं आशी? इनके लिए तुम हमसे लड़ने चली आई थी दिल्ली में? मुझे बिना बताए तुम इन दोनों को इस घर में लेके आई? अरे क्या जानते हो तुम इनके बारे में? क्या जानते हो तुम इनके बारे में? इनका खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया, और तुम ऐसे लोगों को इस घर में उठाकर लेकर चली आई? यू नो आशी हाउ डेंजरस इट इज? डू यू नो? इन लोगों की वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ये बेशर्म लोग हमारे घर में चोरों की तरह छिपे बैठे हैं। और तुम इन्हें यहां एंटरटेन कर रही हो? व्हाट नॉनसेंस इज दिस आशी? मम्मी वो लोग खुद नहीं आए हैं, मैं उन्हें लेकर आई हूं यहां पर। ये घर हमारा है, और हमारे घर में किसी गैर को लाने से पहले तुमने हमसे पूछा भी नहीं। देखिए, इसमें आशी का कोई कसूर नहीं है। दरअसल हम खुद ही यहां चले आए, और हम ही ने आशी को। अंकल आप क्यों? शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। हमें फंसाने के लिए आप आशी को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं? इसकी नादानी का फायदा उठा रहे हैं आप दोनों? सोचा होगा अपने घर की कीमत तो मिली गई, क्यों ना लगे हाथ इस घर को भी हत्या ले। बस पापा, आप इनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। पापा, मैं आपके या मम्मी के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहती। मैं बस आपको समझाना चाहती हूँ, जो आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वैसा नहीं है। ये बात मैंने आपको दिल्ली में भी समझाई थी, पर सब कुछ अच्छी तरह से समझ रहा हूं मैं। इन्हें अभी के अभी मेरे घर से निकालो। Right now. जी, हम अभी के अभी यहां से चले जाएंगे। आप बस शांत रहिए। और प्रभा। नहीं अंकल, अब दोनों कहीं नहीं जाएंगे। आशी, बहुत हो गया, बात को समझने की कोशिश करो तुम। बेटा, मम्मी पापा के सामने जिद नहीं करते। तुम्हारे मम्मी पापा जो कह रहे हैं वो... Enough! बहुत नाटक हो चुका है अच्छेपन का। Just leave. मम्मी, आप इनसे इस तरह बात नहीं कर सकती। मैं इन दोनों से बात करना ही नहीं चाहती। क्योंकि दोनों अभी तक यहीं खड़े हैं। शर्म नाम की चीज ही नहीं है दोनों में। निकल जाओ यहां से। कहीं नहीं जाएंगे ये दोनों यहां से। चुप 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 एकदम चुप। पाश मैंने कहा निकल जाओ दोनों यहां से। मैंने भी कहा
अंकल आंटी इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ। और तुम दोनों, अगर 2 सेकंड के अंदर तुम यहां से नहीं निकले ना, तो धक्के मारकर निकलवाऊंगा। अगर अंकल आंटी इस घर से जाएंगे तो उनके साथ मैं भी ये घर छोड़कर जाऊंगी। और लेट हुई ना तो साहिल मुझे मार डालेगा। बाय 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 बाय। कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने करीब आ जाओगी, कि तुमसे दूर होकर भी दूर रहना इतना मुश्किल हो जाएगा। मेरी खुशियों की गुल्लक आशी। आप अंकल आंटी का घर लौटा दीजिए और मैं ये तमाशा बंद कर दूंगी। जिद की भी एक हद होती है आशी। पापा, मेरी जिद आपके सेल्फिशनेस से कहीं ज्यादा सही। दुनिया में बहुत लोग बेघर हैं, पर कोई हमारी वजह से बेघर हो जाए ये बात सही नहीं है। आपको आपका बिजनेस दिख रहा है, पर आपके बिजनेस की वजह से अंकल आंटी की पूरी दुनिया मिट रही है ये नहीं दिख रहा। सेल्फिशनेस की भी एक हद होती है पापा, कभी दूसरों के बारे में भी सोच लिया कीजिए। हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है आशी, तो हम किसी की फूटी किस्मत की जिम्मेदारी क्यों लें? आप माने या ना माने, अंकल आंटी घर से बेघर आप दोनों की वजह से हुए और आपको उनका घर लौटाना ही होगा। हमारे खिलाफ जाओगी तुम, वो भी इनके लिए। हम तो तुम्हारे माता पिता लगते हैं, लेकिन ये कौन लगते हैं तुम्हारे? कौन लगते हैं तुम्हारे? इस रिश्ते का नाम तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि बहुत गहरा रिश्ता है। आशी, तुम्हें जितना समझाना था मैं समझा चुका हूं। नाउ आई कांट टेक ऑल दिस नॉनसेंस एनीमोर।
ममता निवास टूटेगा और उसकी जगह वहां पर मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट आशीष टावर खड़ा होगा। चाहे उसके लिए मुझे अपनी बेटी के ही खिलाफ लेना जाना पड़े, आई डोंट केयर। इवन आई डोंट केयर। मैं भी आपको ममता निवास तोड़ने नहीं दूंगी। घर आने की इतनी खुशी, फिर क्यों मुझे नींद नहीं आ रही? हो क्या गया है मुझे? क्या आशी को इतनी रात को फोन करना ठीक होगा? क्या कर रहा हूं मैं? भैया, भैया ये लीजिए कॉफी। आपको नींद नहीं आ रही थी ना? अच्छा, तुझे कैसे पता? अब घर आने की बेहद खुशी और आशी के घर से दूर होने का बेहद गम, इस बीच आपको नींद कैसे आ सकती है? अरे, आशी के घर से दूर जाने का दुख भला मुझे क्यों होगा? अच्छा, कौन सा मैं वहां हमेशा के लिए रहने गया था? एक दिन तो वहां से निकलना ही था। अच्छा ठीक है, आप कॉफी एंजॉय कीजिए, मैं जा रही हूँ सोने। सॉरी साहिल, इतनी रात को बुलाना पड़ा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। पहले तो तू पहले बैठ जा, आराम से जस्ट काम डाउन। देख, सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना अपने साथ सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। ये देख, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बालों का कलर ट्रीटमेंट करके वापस आ गया। रिलैक्स हो जा, हम कुछ सोचेंगे। साहिल कैसे रिलैक्स हो जाओ, कल ममता निवास टूटने वाला और मैं कुछ नहीं कर सकती। दादाजी के वक्त भी मैं इतनी बेबस थी, कुछ नहीं कर सकी। उनकी आंखों में घर से बेघर होने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था और आज वही दर्द मुझे अंकल आंटी की नजरों में दिख रहा है। साहिल तू ही बता, अगर कल मुझे ये घर छोड़ना पड़े तो मेरा क्या होगा? वही हाल होगा जो आज अंकल आंटी का है, जो कल दादाजी का था। ये घर मेरे लिए घर नहीं है, यादों का पिटारा है, हर एक पल का खजाना है मेरे लिए। मैं इस घर से दूर नहीं जा सकती। साहिल, पता है सबसे ज्यादा दुख इस बात का है, मेरे ही मम्मी पापा मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। कोई माँ बाप अपनी बेटी के साथ इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं? ये, आशी दीदी, आशी दीदी, मैं आंटी अंकल के कमरे में गई थी, वो लोग कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो कहीं और होंगे ना? नहीं दीदी, मैंने सब जगह देख लिया, वो लोग कहीं भी नहीं है। घर में नहीं है मतलब? Thank you.
आपकी याद है प्रभा, जब आशीष पैदा हुआ था तो अस्पताल से पहली बार जब हम उसे इस घर में लेकर आए थे, आपकी जिद थी ना, आपका बेटा अपने घर में आएगा, इसीलिए इतनी मेहनत से, प्यार से ममता निवास बनवाए। मंदिर जिंदा माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया तो पत्थर के भगवान को कहाँ अपना समझेंगे। याद है प्रभा, जब पहली बार आशीष को अस्पताल से घर लेकर आए थे तब इस मंदिर की स्थापना की थी और आज उसने अपने ही हाथों इस घर और मंदिर दोनों को उजाड़ दिया। कल तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी का ढेर बन जाएगा ना। एक सपना था कि अपना एक घर हो, सपना पूरा भी हुआ, हकीकत में बदला, लेकिन अब ये सपना एक बुरे सपने में तब्दील हो जाएगा। जिस औलाद के लिए ये सपना देखा उसी ने हमारे सपने को अपने पैरों तले मेरे भी से रौन डाला, सब खत्म कर दिया उसने। नहीं कैसे, लेकिन अंकल आंटी का घर मैं बचा के रहूंगी। साय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा तुझे पता है कल रात को तेरे आने की खुशी में तेरी माँ ने इतनी सारी बातें की, टाइम का पता ही नहीं चला। पता है पापा, आशी के घर पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता था। जब सब साथ मिलकर बैठते थे ना तो वक्त का पता ही नहीं चलता था। पर हाँ, आपके हाथों की बनी ये इलायची की चाय बहुत मिस करता था। आशी के घर पर तो हमेशा अदरक वाली ही चाय पीता था। अरे बेटा, नाश्ते में क्या चाहिए? पोहा जलेबी, आशी के घर में अक्सर। अरे कोई बात नहीं, जो तुझे खाना है मैं सब बना के दूंगी, ठीक है? जी माँ। अच्छा बेटा, एक बात बता, आगे क्या करने का सोचा है तू? ऐसे आशी ने जॉब तो लगवा ही दी और साथ में तू तेरी लॉ की प्रैक्टिस भी कर रहा है। गुड। भैया का तो बचपन से सपना है वो बहुत बड़े लॉयर बने। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि नौकरी छोड़कर तुम्हें फुल टाइम प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। पापा चाहता तो मैं भी ऐसा ही, पर मेरा केस थोड़ा अलग है। लोगों के लिए तो अभी भी मैं एक क्रिमिनल ही हूं, उनका भरोसा जीतना आसान नहीं होगा। साहिल तो दोस्त था इसलिए उसका केस मुझे मिल गया, पर कोई बड़ा केस मेरे पास आएगा या नहीं आएगा ये भी मुझे पता नहीं।
मैं देखती हूँ। विशेष आशी क्या हुआ? आशी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अंकल आंटी के घर को टूटने से बचाने के लिए मुझे मेरे दोस्त और एक लॉयर की जरूरत है।